वेलकम टू एडवाइज एजुकेशन। तो ये आप लोग के डेली क्विज का जो क्वेश्चन है, इक्वल एरिया क्राइटेरिया इज इंप्लाइड टू डिटरमाइन ए स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी, बी ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, सी वेक्टिव पावर लिमिट, डी वेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर। तो जैसे आप लोग को पता होगा जो इक्वल एरिया क्राइटेरिया होता है वो अपने जो पावर एंगल इक्वेशन है यहाँ पे ये पी एम इज इक्वल टू पी होता है। इक्वल एरिया क्राइटेरिया जब आपके सिस्टम में कोई लार्ज डिस्टर्बेंस होता है तो डिस्टर्बेंस होने के कारण आपके पास में एक एक्सलेवेटिंग और एक डी एक्सलेवेटिंग एरिया आपके पास आता है। तो ये जो एक्सलेवेटिंग है डी एक्सलेवेटिंग एरिया इनका जो एरिया होता है वो इक्वल रहता है और यहीं से आप लोग का जो इक्वल एरिया क्राइटेरिया का जो कॉन्सेप्ट है वो आया हुआ है। तो ये आप लोग का एरिया ए वन होता है और ये एरिया आप लोग का होता है ए टू। तो यहाँ से आपको जो इक्वल एरिया क्राइटेरिया आया हुआ है और ये जो होता है वो होता है इन केस ऑफ लार्ज डिस्टर्बेंस। तो ये जो होता है वो होता है बिकॉज ऑफ लार्ज डिस्टर्बेंस। तो लार्ज बिकॉज ऑफ लार्ज डिस्टर्बेंस आपका जो पावर सिस्टम रहता है उसमें जो सिंक्रोनस मोटर रहता है वो एक्सीलरेट होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्सीलरेशन वो एक्सीलरेटर एनर्जी गेन करता है और इस एरिया में एनर्जी को आप लोग का फिर से रिलीज करता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्वल एरिया क्राइटेरिया। तो जो इक्वल एरिया क्राइटेरिया होता है इसीलिए आप लोग के जो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी आप लोग के लार्ज डिस्टर्बेंस को बताता है। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी आपके लार्ज डिस्टर्बेंस को बताता है और ये होता है आप लोग का एबिलिटी ऑफ दिस सिस्टम टू डील विद लार्ज डिस्टर्बेंस। तो इसीलिए जो इक्वल एरिया क्राइटेरिया होता है वो आप लोग के ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी को एनालिसिस करने के लिए यूज होता है। जो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट रहता है ये आप लोग का पी मैक्स बताता है, वेक्टिव पावर लिमिट आप लोग का वोल्टेज डिसाइड करता है, आप लोग का जो वेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर ये शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी डिसाइड करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। थैंक यू।